तो प्रभु श्री राम जी के पिता का नाम था दशरथ, दशरथ के पिता का नाम था अज, अज के पिता का नाम था नाभाग, नाभाग के पिता का नाम था ययाति, ययाति के पिता का नाम था नहुष, नहुष के पिता का नाम था अम्बऋषि, अम्बऋषि के पिता का नाम था प्रशुश्रुक, प्रशुश्रुक के पिता का नाम था मरु, तो मरु के पिता का नाम था शिग्रक, शिग्रक के पिता का नाम था अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पिता का नाम था सुदर्शन, सुदर्शन के पिता का नाम था शंखण, शंखण के पिता का नाम था प्रवड, प्रवड के पिता का नाम था अंशुमन, अंशुमन के पिता का नाम था दिलीप, दिलीप के पिता का नाम था भागीरथ। ये वही भागीरथ है जो गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे, जिसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। राजा भागीरथ के पिता का नाम था कुकुस्त, कुकुस्त के पिता का नाम था रघु। ये रघु वही राजा है जिनके नाम पर ये रघुकुल पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। आज भी कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा रघु के पिता का नाम था राजा असमंज, राजा असमंज के पिता का नाम था राजा सगर, राजा सगर के पिता का नाम था राजा असित, राजा असित के पिता का नाम था राजा भरत, राजा भरत के पिता का नाम था ध्रुवसंधि, राजा ध्रुवसंधि के पिता का नाम था राजा सुसंधि, राजा सुसंधि के पिता का नाम था राजा मानधाता, मानधाता के पिता का नाम था युवानाश्री, युवानाश्री के पिता का नाम था दुंदुमार, दुंदुमार के पिता का नाम था त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु के पिता का नाम था राजा पृथु, राजा पृथु के पिता का नाम था अनरण्य, अनरण्य के पिता का नाम था राजा बाण, राजा बाण के पिता का नाम था विवस्वान, राजा विवस्वान के पिता का नाम था राजा मनु, राजा मनु के पिता का नाम था इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पिता का नाम था राजा कुक्षी, राजा कुक्षी के पिता का नाम था राजा विकुक्षी, राजा विकुक्षी के पिता का नाम था राजा कश्यप, राजा कश्यप के पिता का नाम था राजा मरीची, राजा मरीची के पिता का नाम था ब्रह्मा जी। तो इस हिसाब से हमारे प्रभु श्री राम जी ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी है, 39th। तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाला इतिहास ये नहीं बोलना चाहिए कि सनातनियों को मुगलों का इतिहास तो पता था और खुद का इतिहास नहीं पता था। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम।